लेकिन हमें इसका तदारुक इसका हल सोचना है। रवायत में आता है कि गुनाह उनके नफरमानी इंसान पर इस तरह असर करती है जिस तरह जहर असर करता है। नाफरमानी करें या गुनाह करें, जहर की तरह असर कर दिया, हमारा जमीन मुर्दा, अल्लाह पाक का खौफ खत्म, अमल की दुनिया खत्म। हजरत आदम अलैहि सलाम ने एक दाना नहीं खाया था, एक दाना खाया था जिससे रोका गया। तो आप किस्सा ये सुनते रहते हैं, हजरत आदम अलैहि सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की ओर बह गए, लेकिन कितने सौ साल तक आप रोते रहे कि मौला मैंने ये जुल्म कर लिया है। और मौलाना हुजूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर ऊंचा आपने वहां ऊंचा हुआ था, हर कुछ के वहां राहत पवा था, जहां बादल बरसता है वही फल फूल उगते हैं, और जहां आंसू बरसते हैं खुदा की रहमत नाज़िल होती है, अल्लाह की रहमत उतरती है। अगर हजरत आदम अलैहि सलाम ने इस लफ्ज में तौबा की है तो आज उम्मत को आइए कि वापस लौटे और तौबा पक्की और सच्ची तौबा है। आपने दीन के साथ, आपने नबी के साथ अपना रिश्ता उस दुआर मजबूत करें। और ये क्या आपको ये दुख भरी स्टोरी है, कई जमातों के करीब होने का मुझे मौका मिला, दिल चाहता है जमातों के काम करें, बहुत इस कदर हिपोक्रेसी नजर आती है, सब कुछ हो रही है, बड़े प्यारे बने हुए, अंदर इस कदर एक दूसरे का कीना बहुत भरा हुआ है कि दूसरा बंदा ही बर्दाश्त कर, यानी आर्मी सदा तो आर्मी रहते हैं, हम नीचे सदा पर एक दूसरे की जड़े काटने में तुले हुए हैं। कई साल को डिग्रेड कैसे किया जा सकता है, कैसे कराया जा सकता है, जिस कौम की हालत ही हो जाए, मेरे भाइयों की बहनों ये सोचे वो कौम तरक्की क्या करेगी। अरे थोड़ा सा अपने मफाद को जिद पहुंचे, थोड़ी सी तकलीफ पहुंचे तो हम साबित नहीं रहते, लेकिन कुर्बान जाए सहाबा इकबाल मुर्दवान पर जो सब कुछ देकर भी कहते हैं कि मौला हमने तेरी बदगी का हक अदा नहीं किया, हम कुछ ना करके भी अल्लाह पाक के सामने तो कब्र से खड़े होते। इबलीस ने इनकार किया था तो कब्र किया था, और उसका अशर आपके सामने है। आखिर उसने यही कहा था कि मौला सिर्फ तुम्हें सजदा करना चाहता हूं, आदम को मिट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया है, बात उसने गलत नहीं की, बात उसकी ठीक है, आदम मिट्टी से पैदा हुआ है और वो आग से पैदा हुआ है, और ये भी कहता है अल्लाह तो ये सजदा कर, ये बात बड़ी अच्छी है, लेकिन उसने अल्लाह पाक का हुक्म ना माना, बुरी बात यह थी, एक पैगंबर की तौहीन की बेदबी की, और उसका नतीजा ये निकला। और जब भी कौमें बगावत करती हैं तो उनका इंजाम कभी अच्छा नहीं होता, दिन ब दिन हालात उनके बुरे आते हैं। चंद अकवाम में तस्करी करता हूं अपने सामने अल्लाह के पाक कलाम से कि रब्बुल आलमीन जल्ला उला चंद कौमों का जिक्र फरमाते हैं, तवज्जो फरमाए, कई बारों में तस्करा हो लेकिन इस वक्त मेरे सामने पारा नंबर 19 है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम
जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को समझाया, फरमाया कि अल्लाह पाक की बात करो, मैं पैगंबर हूं अल्लाह पाक का, अब वो कहने क्या लगे? कहते हैं कि हम देखते हैं कि तेरे ऊपर जो कमीन लोग हैं, अरसल लोग हैं, घटिया किस्म के लोग हैं, ये तेरी पैरवी कर रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई मेरा इस बात में क्या कोई मगरीब है या कोई अमीर है? इनका हिसाब इनके रब के यहां है, और जो भी गरीब या मस्कीन मुझ पर ईमान लाएगा, मैं उसको बताने वाला नहीं, मैं उसको अपने पास बिठाने वाला हूं, जोड़ने वाला हूं। और क्या आज हमारे दिमागों के अंदर ये भी उसे तो नहीं कि दीन सिर्फ गरीब लोगों का है और अमीर लोग क्या इज्जत क्या है, बड़ी बड़ी पूछ है और शिकत की मुखालफत है, दस दस बारह बारह पार्टी पार्टी जिसको चाहा मार दिया, भाई फिर आओ में फिर लोगों में फर्क क्या रह गया? नहीं, इस तकवे के अंदर है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ऐ नूह, जरा इन कौमों के ख्याल तो यूज आप देखते रहे, पढ़ते जाना, फिर हमने किसी नतीजे पर पहुंचना। कहने लगे कि ऐ नूह, अगर तू बाज ना आया, मरजूमी पत्थर मार मार के तुम्हें शमशान कर देंगे। आपने दुआ की, मौला मेरी को मुझे जुटा रही है, मेरे के दरमियान फर्क कर दे, जुदाई कर दे, फैसला कर दे। रब्बुल आलमीन जल्ला उला ने जितने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हो गए उनको बचा लिया, बाकी सबको गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम के आगे आता है कौमे आद का तज़किरा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कज़्ज़बत आद लिल-मुरसलीन, कौमे आद ने रसूलों को जुटलाया। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम को फरमाया कि रसूल अमीन, अल्लाह पाक से डरो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, और मेरा अजर मेरे खुदा की जिम्मे में तुमसे कुछ नहीं मांगता। और उन्होंने फरमाया कि तब नूह भी कुलीन आयत का रसूल, क्या तुम तमीन करते हो ऊंचे मुकाम पर याद कारिता रसूल पे फायदा, उस कौम का शुक्र क्या था, बड़े बड़े महल्ला और बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जालिमों का कोई फायदा नहीं, ये सब बेकार, और तुम जहां छोड़ने वाले हो किसी और रास्ते के मुसाफिर हो, किन कामों में तुम पहुंच गए, ऐसे बाज आ जाओ। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें जानवर दिए, औलाद दी, बहा दिए, और मैं डरता हूं कि तुम्हारे ऊपर कहीं अजाब ना आ जाए। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तकरीर गुफ्तगु सुनकर कहते हैं कि सवाब नहीं ना आवाज का हमलम का तू मिन अलवाइजीन, हमारे ऊपर बराबर है, हमें बात करो या ना करो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह और इस बात पर भी हम ख्याल करेंगे, यार मुसलमानों की यही कैफियत नहीं है कि बात करेंगे ना करें, पता ही चीज तब्दीली कोई नहीं। सुन 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 की तकरीरें हदीसें, पूरा कुरान सुनने में कोई तब्दीली ना है, किस कदर बदनसीबी बदअमली। और पिछला दौर जो दौरे मदीना में गुजर, देखा कि रोजाना की चार पांच हदीसें पूरा कुरान, नतीजा उसके बाद क्या निकला आपके सामने है, चंद लोगों के सिवा। लेकिन याद रखना कि इज्जत वाले कदर वाले इस बात को जानते थे, इन बातों का हमें लिहाज और तैयार करना है। वो कहने लगे कि हमें कोई परवाह नहीं, वाज करो या ना करो, डराओ या ना डराओ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फअहलकनाहुम, हमने उनको हलाक कर दिया।
ये कौम हलाक ऐसे हो गई है। तवज्जो फरमाए कि इन पर एक काली गिटार जाहिर हुई। जब काली गिटार से नजर आई तो इनके दिल बाग बाग हो गए, कहने लगे कि अल्लाह की तरफ से आया हमारे ऊपर बादल। लेकिन वो इतना तेज था कि 3 या 7 दिन तक वो जकड़ चलता रहा, जो जो चलता रहा। उनके बड़े बड़े मजबूत मान, बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें उनकी बुनियादों तक उखड़ के गिर गई और इस तरह हो गए कि कभी दुनिया में आबाद ही नहीं थी। अल्लाह पाक फरमाता है हलकना उनको गला कर दिया। अगर देखें वो हलाक हो गए हैं आपने पैगंबरों की तबलीग को छोड़कर, दीन को छोड़कर, तो सही तो सही के दीन को हम छोड़े तो क्या हमारा ये शर्त हो सकता है। ऐसे आगे चले हजरत सर अली सलाम का तज़किरा होता है। हजरत सर अली सलाम ने कौम को यही दम दी, मैं रसूल अमीन हूं, डरो अल्लाह पाक से और तुमसे मैं कोई अजर नहीं मांगता। आपने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ने बाग बबाग दिए, चश्मे दिए और खजूरें, खजूरों के दरख्त, खजूरें भी वो जिनके शगुफे बड़े नरम हैं, और तुम पहाड़ों में घर बना दो तराश तराश के, अल्लाह पाक से डरो, मेरी दिपा करो, हद से पढ़ने वालों के पीछे ना लग जाओ। आज देखिए हमारी क्या सोच होती है, हम हमेशा दूसरे बंदों को देखते हैं, हम उसी को फॉलो करें। नमाज रहती है रह जाए, रोजा रहता है रह जाए, जकात रहती है रह जाए, लेकिन मैं दूसरे से आगे ऊंचा नजर आऊं, नहीं, ये सोच मुसलमानी सोच नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब हमेशा बंदा उसको देखे जो उसके पीछे है और ऊपर वाले की तरफ नजर ना करे, और करेगा तो गिरफ्तार होता जाएगा, फंसता जाएगा। आखिरकार हजरत सलीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको वास किया तो बड़ा उल्टा सा सवाल उन्हें किया, क्या कहने लगे, कहते हैं कि सामने है पत्थर और पत्थर से निकले ऊंटनी और ऊंटनी भी गबन हो और वो बच्चा जने। अब ये सवाल खिलाफे फितरत था, लेकिन अल्लाह ताला अपने पैगंबरों की इज्जत रखता है, अल्लाह अपने पैगंबरों को इज्जत शानियता फरमाता है। आपने दुआ की, पत्थर शक हुआ, उससे ऊंटनी निकली और ऊंटनी ने देखते देखते बच्चा जना। आपने फरमाया कि लोग तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई, यहां से ही ना कतुल्लाह शिरबू वाला तुम शिरब योम मालूम वाला तुम सुह बिसुह फया खुल तुम अजाब योम अजीम। आपने फरमाया कि ऊंटनी के पीने की बारी है और मुकर्रर दिन में तुम्हारी भी बारी है, इसे तकलीफ ना देना वरना तुम्हें बहुत बड़े दिल का अज़ाब आगे पकड़ लेगा। ये है ना का तुल्ला अल्लाह की ऊंटनी, इसको तकलीफ ना देना। अगर ना का तुल्ला की ये शान है तो खुद सोचो कि औलिया अल्लाह का क्या मुकाम होगा, और जो बाबर आलमे दीन हाफिज़े कुरान है रब के यहां उसकी क्या अज़मत और शान है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया ये ऊंटनी है, लेकिन उन बदबख्तों ने ऊंटनी की कोचे काट डाली। बड़े बड़े शैतान किस्म के लोग इस दुनिया में आए और अपनी शैतानत करके दफा हो गए, चले गए, वास्ते जन्म हो गए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फअख़ज़हुमुल अज़ाब, उनको अज़ाब ने पकड़ लिया और अज़ाब पर इस तरह भूचाल आया, ज़लज़ला आया। आपने घरों में बड़ी अय्याश के साथ बैठे हुए थे, जमीन कांपी, ज़लज़ला आया, ऊपर नीचे हर चीज में गिर गई, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, और ये उनका शुरुआत। ऐसे आगे चले हजरत लूत अलैहिस्सलाम।